हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फाइव सेमेस्टर यानी बीएससी थर्ड ईयर में जो दो सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं, फाइव सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। तो आज हम लोग फाइव सेमेस्टर जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी फाइव सेमेस्टर का हम लोग सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये स्पेशल वीडियो जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उससे अफिलेटेड जो भी कॉलेज हैं उन स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी फाइव सेमेस्टर मैथ्स के क्या और फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। फाइव सेमेस्टर यानी आपका थर्ड ईयर है, तो इसमें आपको दो ही सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी फाइव सेमेस्टर में फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट से आपने मान लीजिए फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था, तो इस फाइव सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट कोई भी आप चूज कर सकते हैं, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री ले लीजिए, या आप केमिस्ट्री मैथ ले लीजिए, या केमिस्ट्री फिजिक्स ले लीजिए, या फिजिक्स मैथ ले लीजिए, ठीक है। कोई भी दो कम्बिनेशन जो आपको अच्छा लगे, जो आप अपने लाइफ में आप जो आपको सबसे अच्छा लग रहा हो, जिसमें आप अच्छा गेन कर सके नंबर, अपने फ्यूचर में क्या करना है आपको, ये भी देखते हुए आप चूज करिएगा, फिजिक्स मैथ लीजिएगा या फिजिक्स केमिस्ट्री लीजिएगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री लीजिए, जो आपको आगे एमएससी में करना है या जो भी आपका आपने लाइफ में करना है उसको देखते हुए, या किस सब्जेक्ट में अच्छा आप गेन कर सकते हैं, किस में आप की जो पकड़ है बहुत काफ़ी अच्छा है, किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स मैथ में है या फिजिक्स केमिस्ट्री में है, जो भी कम्बिनेशन आपको, इस पर स्पेशल वीडियो भी है, ठीक है। एएसटी फैन क्लब पे आप जाएंगे तो बीएससी थर्ड ईयर में कौन सा कम्बिनेशन बेस्ट होगा, फिजिक्स मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री मैथ, जो भी कम्बिनेशन है, तो इस पर अच्छे से आपको बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पेशल वीडियो डीडीयू जीकेपी के लिए है। मैथ में आपको तीन पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। कोर्स कोड जो है मैथ का, पहला जो फर्स्ट पेपर है वो है आपका MAT 301, यानी MAT 301, ये पहला पेपर है जिसमें हम लोग रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा कवर करेंगे फर्स्ट पेपर में, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको तीन पेपर पढ़ गया, फाइव सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में आपको तीन पेपर पढ़ने हैं। दूसरा आपका पेपर है MAT 302, यानी MAT 302, इसमें आपको टेंसर एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है, अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड जो है MAT 303, MAT 303 आपका थर्ड पेपर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो मैथ में आपको तीन पेपर पढ़ने हैं, MAT 301 रिंग थ्योरी जिसमें है और लीनियर अलजेब्रा है, दो पार्ट में है, और MAT 302 में टेंसर एनालिसिस है, और MAT 303 में डिफरेंशियल ज्योमेट्री है। तो ये मैथ का सिलेबस है, अभी फुल डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में पहला जो पेपर उसका कोड है PHY 301, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर आपका है PHY 302 है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पेपर है PHY 302, और थर्ड पेपर जो आपका प्रैक्टिकल है, ये आपके कॉलेज में आपको जो लिस्ट होगा उसमें बताया जाएगा आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल वहाँ पर कराया जाएगा। तो फिजिक्स में तीन पेपर इस बार होंगे, फाइव सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर दोनों में भी होगा। तो थर्ड जो है PHY 303 है, प्रैक्टिकल है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, बात करते हैं तो केमिस्ट्री में फर्स्ट पेपर जो है इसका कोर्स कोड है CHE 301, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये आपका फर्स्ट पेपर है। सेकेंड पेपर आपका CHE 302, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री एंड आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका सेकेंड पेपर है। और थर्ड जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस CHE 303, ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, थर्ड पेपर जो है स्पेशली। तो अभी आपने डिटेल में जान लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहे आप जो कम्बिनेशन लें, फिजिक्स मैथ लें या फिजिक्स केमिस्ट्री लें या फिजिक्स केमिस्ट्री लें या फिजिक्स मैथ लें, जो भी केमिस्ट्री, इस पर सर आपको एक वीडियो मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कौन सा कम्बिनेशन आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये रहा, आप देख लीजिए, अब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए फिजिक्स का जो फाइव सेमेस्टर का देखिए सिलेबस जो है, इसमें मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट में फिजिक्स दिया रहा है, सेकंड में केमिस्ट्री दिख रहा है आपको। अब थोड़ा सा हम लोग माइनर डिस्कस कर लेते हैं। माइनर में आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं,
ठीक है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए इसमें माइनर में कौन सा पेपर आपको देना है। जैसे नेशनल कैडेट क्रॉप्स दिया है, नेशनल सर्विस स्कीम दिया है, रोवर रेंजर दिया हुआ है, स्पोर्ट्स दिया है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, PSY 100, यही थर्ड फाइव सेमेस्टर में आप लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। केमिस्ट्री में पहला जो है आपका CHE 301 है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसमें देखिए आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हाँ तो देख लीजिए आपको। उसमें पहला यूनिट में जो केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस एंड कार्बो एल्काइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस देख लीजिए। इसमें 8 यूनिट पढ़ना है आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो ये सिलेबस आपका जो है फर्स्ट पेपर का है। सेकेंड आपका जो है 302, तो केमिस्ट्री सेकंड पेपर में जो आपका है CHE 302 में रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स में देखिए, इसमें आपको इसमें भी 8 यूनिट पढ़ना है। रीअरेंजमेंट पहला है, कैटालिसिस है, देख लीजिए इसमें 8 यूनिट पूरा फुल डिटेल में आपको 302 जो है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे नेक्स्ट CHE जो है 303 में क्वांटिटेटिव एनालिसिस में प्रैक्टिकल जो लिस्ट है क्या क्या आपको प्रैक्टिकल करना है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का। फिजिक्स में जो है पहला पेपर जो है PHY 301 है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो इसमें देखिए इसमें आपको इसमें भी पढ़ना है आपको 301 में जो है आपको पढ़ना है 4 यूनिट पढ़ना है, दो पार्ट में है, यानी 4 यूनिट पार्ट ए में पढ़ना है और 4 यूनिट पार्ट टू में पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सिलेबस, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी दे दूंगा, देख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद P02 जो है आपका PHY 302 क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो 302 है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी दो पार्ट दिए गए हैं, काफ़ी लंबा सिलेबस आपका है फिजिक्स का। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में भी ए में 2-4 यूनिट पढ़ना है और उस पार्ट बी में भी 4 यूनिट पढ़ना है। और उसके बाद आपका जो है PHY 303 जो है प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये लिस्ट आपको अपने स्कूल पर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ की बात करते हैं, MAT 301 रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। तो इसमें आपको पार्ट दो पार्ट में है, 301 में पार्ट ए है आपका रिंग थ्योरी और पार्ट बी आपका लीनियर अलजेब्रा। तो रिंग थ्योरी में जो है आपको देखिए पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन टू रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और डिस्कस करना है। सेकंड यूनिट में डिस्कस करना है आपको फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है, PID, ये सब डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से बताया जाएगा आपको। हाँ, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है आपको। हाँ, 4 यूनिट हैं रिंग थ्योरी में। और पार्ट बी जो है आपका लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है, इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है, वेक्टर स्पेस पढ़ना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है, डुअल स्पेस पढ़ना है, आप देख लीजिए सिलेबस क्या है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग सेकंड पेपर MAT 302 में टेंसर एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है। इसमें भी जो है 4 यूनिट है सेकंड पेपर में। पहले आपको टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन आप कोऑर्डिनेट्स, हाँ, कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट में एसोसिएटेड टेंसर लेंथ ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये डिस्कस करना है। थर्ड यूनिट में आए कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन वेक्टर, हाँ, रिकी थ्योरम जो है ये डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ यूनिट में रिमान कर्वेचर टेंसर, देयर प्रॉपर्टीज, यही सब आपको डिस्कस करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड पेपर जो आपका है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है आपके लिए। हाँ, ये जो पेपर है ये पहली बार आप देख रहे हैं, BSc थर्ड ईयर में टेंसर के नाम से पेपर था ये, ठीक है, टेंसर के नाम से। तो थर्ड पेपर में आपको ज्योमेट्री डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी 4 यूनिट पढ़ने हैं। पहला है आपका लोकल थ्योरी ऑफ कर्व, स्पेस कर्व, रेगुलर कर्व, प्लेन कर्व, ट्विस्ट कर्व, इक्वेशन ऑफ प्लेन, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस, लेंथ ऑफ कर्व, हाँ, टेंजेंट टू कर्व फर्स्ट यूनिट पढ़ना है। सेकंड में आपको पढ़ना है आपको कर्वेचर एंड टॉर्जन, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाइनोमियल ऑसिलेटिंग सर्किल पढ़ना है, ये डिस्कस करना है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको स्पेशल टेंसर एंड प्रॉपर्टीज, ऑर्थोगोनल
ट्राजेक्टिव फोर्थ यूनिट में जो है फोर्थ यूनिट में आपको डिस्कस करना है नॉर्मल कर्वेचर, इट्स इक्वेशन। हाँ, तो ये आपको सीन दिख रहा होगा, आप फोर्थ यूनिट में क्या क्या पढ़ना है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये बीएससी जो है फाइव सेमेस्टर का जो है आपका सिलेबस था। बीएससी फाइव सेमेस्टर में आपको हर पेपर में तीन पेपर पढ़ना है, मैथ में भी तीन पढ़ना है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल लेके तीन, केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल लेके थ्री पेपर पढ़ना है। तो थर्ड ईयर है आपका फाइव सेमेस्टर, यानी थर्ड ईयर ही है फाइव, थर्ड ईयर में दो सेमेस्टर हैं, फाइव सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। तो जो है कि इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट चूज करना, फिजिक्स मैथ जो भी सब्जेक्ट चूज करें आप देख लीजिए किसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या आप लाइफ में आपको क्या लेके चलना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से बहुत अच्छे से आता है, एमएससी किससे करना है। अगर एमएससी करना है तो मैथ फिजिक्स लेंगे तो फिजिक्स मैथ से कर सकते हैं, केमिस्ट्री मैथ लेंगे तो केमिस्ट्री और मैथ से एमएससी कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से एमएससी कर सकते हैं। यानी जो आपका फाइव और सिक्स सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहेगा उसी से दोनों सब्जेक्ट में से आप एमएससी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका बीएससी फाइव सेमेस्टर का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए था और उससे एफिलेटेड जो भी कॉलेज हैं उन स्टूडेंट के लिए था। ठीक है, तो जल्दी हम लोग मैथ में जो है जल्द हम लोग रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी है और थ्योरेटिकल है, आप कर लेंगे। हालांकि रिंग थ्योरी जो बीएससी सेकंड ईयर पहले हुआ करता था ये हमने पढ़ा दिया है, चैनल पे आपको मिल भी जाएगा लेक्चर, लेकिन फिर से हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत होगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। ठीक है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, बाय बाय।